हेलो गाइस, क्या सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? कमेंट करके मुझे बताइए क्या सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। आज आप फटाफट जल्दी जल्दी सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टूडियो करने वाला हूँ। रूट वर्ड्स काफी बेनिफिशियल होता है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। कमेंट्स मुझे एक बारी करो कि हाँ सर, आवाज़ और पीपीटी और सब कुछ क्लियर है। Is there anyone who is listening to me? आज की क्लास में सीरियस लेवल के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, जो कि आज ही एफकैट के बच्चों का भी रिजल्ट आया है, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होने की वजह से और जनरल स्टडीज होने की वजह से उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप भी आइए और ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स पर फोकस कराऊंगा और पूरी डिक्शनरी याद करवा दूंगा। आवाज आ रही मेरी सभी को? कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, आपकी आवाज आ रही। आ जाओ, कमेंट नहीं दिख रहा आपका, विजिबिलिटी है बट कमेंट नहीं दिख रहा। जल्द से जल्द आओ ताकि मैं जल्द से जल्द क्लास शुरू करूं, बहुत सारी चीजें सिखाने को है मेरे पास। सीरियस का एग्जाम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। प्री में आती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का सेक्शन। ये क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी, जो कि मेंस माना जाता है, 5 दिन का आर्मी का कैंपस होता है, ठीक है, आपको वहां रह कर देना होता है, ठीक है। तो पहले प्री फोकस कर रहा हूँ आज की क्लास में, अभी 6 बजे, ठीक है। इसमें इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, सारे वोकैबुलरी और ग्रामर के रूल्स। और अभी जो 7 बजे वाली क्लास चलेगी वो चलेगी आजनेंसी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 8 बजे क्लास चलेगी वो चलेगी एप्लीकेशन पर, और ये भी क्लास जो है वो हिस्ट्री को आज फोकस में करके सारी चीजें बताऊंगा। तो 7 बजे की भी क्लास ज्योग्राफी पर चलेगी, अभी की क्लास इंग्लिश पर चलेगी, ठीक है। जिसको जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरा कृषि 007 कोड लगाए और उसको 50% to 67% डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड्स मेरा आज का टारगेट होगा। स्वाति आ जाओ, कैसे तबियत है? नैन्सी, तबियत कैसे बाबू? सर वॉइस डबल आ रही है, बस जोर आ, वेट करो। स्वाति आपको आवाज कैसी आ रही? रिफ्रेश कर लो एक बार, सब लोग देखो आवाज सही हो जाएगी, ठीक है। Now is it okay? तो बता दूं मैं पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, एक बार मुझे सुनोगे तो आसान हो जाएगा। एक बार रिपीट करा दूं मैं रूट वर्ड्स बता रहा था, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग बताई थी, जैसे पॉली, मोनो, सोलो, बाई, ट्राई, पेंटा, डेका, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऑक्टाजेनेरियन, तो क्या मतलब होता है इसका? ऑक्टाजेनेरियन का क्या मतलब होता है, कोई बता दे मुझे कि ऑक्टाजेनेरियन का। अच्छा ठीक है, इको हो रही,
अभी अभी भी हो रही क्या? एक मिनट रुको, मैं इसको सही करता हूँ। तब तक मुझे सब लोग सोच कर बताओ कि ऑक्टाजेनेरियन क्या होता है। आप बताओ मुझे, ऑक्टाजेनेरियन किसी ने बताया क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा ऑक्टा मतलब होता है 80, इसी से ऑक्टो 8 से बना है। ऑक्टाजेनेरियन मतलब जो लोग 80 साल के करीब के होते हैं, 80 से 89 के बीच को ऑक्टाजेनेरियन बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ हेप्टाजेनेरियन तो मतलब क्या? 70। और अगर मैं बोलूँ कि हेक्सा तो कितने से कितने एज ग्रुप के लोगों को कहा जाता है हेक्साजेनेरियन? मेरी बात समझ गए? 80 दशक, वेरी गुड। तो इस तरह से कुछ इजी चीजें याद हो सकती हैं। चलो फिलो और मिसो का मतलब मैंने बताया था लवर। अगर मैं बोलूं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या होता है? तो फाइल मतलब होता है लवर और बिब्लियो मतलब होता है बुक। जो पुस्तक प्रेमी होते हैं उनको बिब्लियोफाइल या फिर स्टूडियस, स्टडी से बना है, स्टूडियस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ? अगर मैं बोलूं पायरे तो मतलब लाश होता है, सेमी का मतलब होता है कि आधा, ठीक है, और होमी का मतलब होता है किसी एक जैसा। जोरी का मतलब मैंने बताया था जोरू, याद आ रहा कुछ वर्ड्स? हाँ, वेरी गुड। और ओमनी का मतलब बताया था मैंने, जैसे ओमनीटेरियन, तो जो सब कुछ खाते हैं, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित है, ओमनिसिएंट साइंस से बना है, ज्ञान से बना है, विज्ञान से बना है। ओमनिसिएंट का मतलब जो सर्वज्ञ हो, और ओमनिपोटेंस का मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली हो, ठीक है। हाँ, बुक होता है सर, बहुत अच्छे। एमबी का मतलब होता है दोनों या सर्वा उभय। सोम का मतलब होता है नींद, मैंने बताया था बहुत अच्छा वर्ड है गायनी, इसका मतलब होता है स्त्री। और गैमी का मतलब होता है विवाह, हल्का सा रिविजन दे रहा हूँ, ठीक है। एंड्रो मतलब होता है पुरुष, एंथ्रो मतलब होता है मानव जाति। लॉगी का मतलब अध्ययन, ग्राफी का मतलब लिखावट, टोनी फोनी का मतलब आवाज, हाइपो मतलब होता है अत्यधिक, एक्स्ट्रा, एक्सेस, कैको मतलब बुरा, कैली का मतलब अच्छा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। ऐसे ही मैंने इसमें एक वर्ड बताया था, जरा बताना ना, क्रोनो, क्रोम, क्रोमे का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, फास्ट। मिमिक्री अगर आपसे पूछे तो नकल करना, मिमिक्री से ही माइम बना हुआ। बेली मतलब झगड़ा होता है। बताना मुझे क्रोमे का मतलब क्या होता है, कमेंट आ जाना चाहिए अभी। साइड का मतलब हत्या होता है, कई तरह की हत्याओं के बारे में बताया था। पैट्री पिता, मैट्री माता, फैक्ट्री भाई, सोरोरी बहन। अगर मैं पूछूं कि सोरोरी क्या होता है तो बताएंगे सिस्टर। फोबिया डर होता है, मेनिया आदत होती है, क्रिप्ट मतलब छुपा हुआ। ये सारे रूट वर्ड्स आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में याद होंगे, तो पूरी पूरी डिक्शनरी याद करी जा सकती कर्मा से। गुड इवनिंग अनुप पांडे जी, आ जाइए। याद रखिएगा क्रोमे का मतलब होता है रंग, कलर, ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमो, क्रोमो गूगल क्रोमे होता है ना, तो गूगल कलरफुल, उसी को बोलते हैं क्रोमे। क्रोमे का मतलब ही होता है कलर, इज़ दैट क्लियर? चलो आज जो क्लास चलेगी वो नए नए रूट वर्ड्स पर चलेगी, ठीक है। जैसे जरा वर्ड समझना, एक वर्ड आ रहा है, ध्यान से समझना इसको, बहुत अच्छा वर्ड है, पैन, पैन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे पैन इंडिया तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया, पैन का मतलब ही होता है क्या? ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, याद रखना। जैसे पैन, ऐसी डेमिक, ऐसी बीमारी जो पैन हो चुकी है, मतलब सब जगह फैल चुकी है। पैनासिया मतलब सब गुड़ संपन्न, हर चीज का तोड़, ऑल, क्योर टू ऑल, पैन का मतलब ही है ऑल। पैनोरमा मतलब क्या? जो मोबाइल में ऑप्शन होता है कि आप इतना दूर का ही नहीं, आप चाहें तो पूरा कमरे का, ऑल कमरे का फोटो खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं पैनोरमा।
पैनोरमा एक किताब भी आती है जो मैगजीन होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की प्रिपरेशन कराती है। तो पैन कहीं पर भी लगा हुआ रूट वर्ड सफिक्स में दिख जाए, सॉरी प्रीफिक्स में दिख जाए, तो इसका मतलब होता है ऑल। आपसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है मैंने, इंटायर। चलो थीस्ट से बना है, अथीस्ट और थीस्ट, थाई, थाई का मतलब दाई, दाई का मतलब भगवान, याद रखिएगा। दाई अभी आपने इंग्लिश लिटरेचर में भी सुना होगा, या थाई आपने इंग्लिश लिटरेचर से भी सुना होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है हमेशा गॉड के लिए, या और भी कई राइटर्स हैं, जॉन मिल्टन हैं और पीबी शैली हैं या रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, कई बार उन्होंने भगवान के लिए कैपिटल टी से टी एच आई ई या टी एच ई आई या टी एच वाई के रूप में लिखा। दाई इज द सुप्रीम पावर, तो दाई का मतलब गॉड, सर्वशक्तिमान। थीस्ट इसी से बनता है, अथीस्ट इसी से बनता है। अब बताओ पैनथीस्ट मतलब क्या होता है? पैनथीस्ट में था यार, एक तो भगवान से संबंधित हुआ, पैनथीस्ट मतलब जो सभी भगवान को मानता हो, चाहे ईश्वर चाहे वो हो, क्या ईसा मसीह हो, सिख हो, या फिर गुरुद्वारे जाते हो, या फिर मुस्लिम हो, पारसी हो, बुद्ध हो, जैन हो, सभी लोग उसको बोलते हैं पैनथीस्ट। अथीस्ट क्या होता है? जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता। देखो इसी से एक वर्ड याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा वर्ड है, सभी याद रखना ये चीज, सभी लोग ये याद रखिएगा ये वर्ड, कि पैंथियन, पैंथियन एक अच्छा वर्ड होता है जिसमें जीसस क्राइस्ट भी होते हैं, ओम भी लिखा रहता है, ठीक है, अल्लाह भी लिखा रहता है। अल्लाह लिखने आता है किसी को? अल्लाह भी लिखा रहता है, और बुद्ध धर्म का, और वो वाला जो नहीं फ्लाइंग जेट वाला बना रहता है, वो क्रिश्चियन, अरे वो सिख लोगों का भी बना। तो ऐसा धर्म जिसको सर्व धर्म के नाम से जाना जाता है, सर्व धर्म को ही हम क्या बोलते हैं? पैंथियन। अब इसमें पैन मतलब आ रहा है ऑल, थियन मतलब क्या आ रहा है? पैंथियन का मतलब हो रहा है भगवान, जो सभी भगवान का क्या हो, मानने वाला, उसको बोलते हैं पैंथियन। डिड यू गेट द वर्ड? याद रखोगे पैंथियन का मतलब होता है सर्वधर्म मंदिर। सुनते चलिए और याद करते चलिए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, सर्वेश्वरवादी, बहुत अच्छा वर्ड। चलिए अब आइए मुझे ये बताइए, लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, कोई बहुत अच्छा वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड या बहुत धांसु वर्ड तो है नहीं, इजिली याद हो सकता है। लॉजी, जूलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है वर्ड। अब थियो मतलब क्या होता है? जिसमें हम धर्म और भगवान के बारे में स्टडी करते हैं उसको थियोलॉजी। बायो मतलब जीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम लोग मनुष्य जाति के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। चलो करेक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लेना। सर्ट, सर्ट, अब देखो सर्ट वर्ड जो है वो किससे बना हुआ है? सर्ट वर्ड जो बना है इंसर्ट से, इंसर्ट भी ले, नहीं इंसर्ट में ऐसी आ गया, सर्टेन से बना है, सर्टेन में सर्ट आ रहा, तो सर्ट कहीं पर भी आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? निश्चित, निश्चित। देखो सर्टेन, सर्टिफाई, सर्टिफिकेट, तो निश्चितता, श्योरिटी के लिए वर्ड यूज। कार्नियो एक बहुत अच्छा वर्ड है, देखोगे क्रैनियोटोमी, कार्नियोलॉजी, ये दोनों वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? सिर। अगर हम पूछे कार्नियोलॉजी, कार्नी, कार्नी से बना हुआ है, कार्नी मतलब क्या? मान, सिर, सिर का पोर्शन क्या कहलाता है? कार्नी। एग्जैक्टली गॉट मी? अच्छा मैं बोलूं कार्नियोलॉजी तो इसका मतलब सिर के बारे में एमआरआई हो रहा, ठीक है। अगर हम पूछे कि कार्डियोलॉजी, नियो की जगह कार्डियो हो गया, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? हर्ट। इसके लिए क्या होता है? ईसीजी। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जनरल स्टडी में, कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी का मैच कराइए, तो कार्नियो से कार्निया, कार्निया कहां पर होता है? आंख में, आंख किस में होता है? सिर में, सिर के लिए जो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से क्या कराया जाता है? एमआरआई। लेकिन कार्डियो में क्या आ जाता है? हर्ट। हर्ट का क्या होता है? ईसीजी। जनरल स्टडीज का एक क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैक्स का मतलब लार्जेस्ट होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। मिनिमम का मतलब मिनिमम होता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। मेडी, मेडिवल से याद रखो, मेडी का मतलब ही होता है मध्य, ठीक है, मध्य या माध्यम।
तो हमेशा देखिएगा मेडी का मतलब होता है मध्य, जैसे एंशियंट मॉडर्न और बीच में क्या आ जाता है मेडिवल। आई बात समझ? चलिए मेटा एक बहुत अच्छा वर्ड है, मेटामॉर्फिक शैतान सुना होगा सबने। कार्निया नहीं, कार्निया, हाँ हाँ ठीक है ओके, प्रोनाउंसिएशन पे जा रहा था मैं। देखो मैंने याद होगा आपको ग्रासलैंड ऐसे ही याद करवाया था। देखो मेरी बात समझो, आपके समझने के लिए वो वर्ड बताया स्वाति, आप सही हो, बिल्कुल सही है, ये होता है कॉर्निया ही होता है, ठीक है। चलो मेटा, मेटामॉर्फिक सुना होगा, जब आपको पता है आग्नेय चट्टानें, ठीक है, टूट कर अवसादी में बन जाती है, और यही अवसादी जो है वो किसमें बदल जाती है, दबकर रूप परिवर्तित कर लेती है, इसलिए इसको कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। रूपांतरित चट्टान को ही इंग्लिश में मेटा बोलते हैं, मेटा मॉर्फिक। आप समझो मॉर्फिक वर्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है रूप, मेटा मतलब क्या होता है परिवर्तन। सही याद रखना, बहुत अच्छा, दोनों रूट वर्ड बताया मैंने, बहुत अच्छा है ये, याद करने का ट्रिक था वो, हाँ और कुछ नहीं था, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, मेटामॉर्फिक में मॉर्फिक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है रूप, मेटा मतलब क्या होता है परिवर्तन। अगर मैं बोलूँ कि ज्यादातर लोग आजकल के जमाने के लोग हैं मॉर्फियस पर ध्यान देते हैं, मॉर्फियस पर ध्यान देते हैं। देखो एक लड़का आता था अनअकैडमी पर ही है, एप्लीकेशन प्लस का स्टूडेंट है, मॉर्फियस उसका नाम है। तो मॉर्फियस में मॉर्फी आ रहा, मॉर्फी का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे काया या फिर क्या बताएंगे रूप। अब मेटामॉर्फियस क्या हो जाएगा कि आप अपना रूप परिवर्तन कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फियस। इज दैट क्लियर, गॉट माय पॉइंट? ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे मेटामॉर्फोसिस या मेटास्थेसिस, मेटास्थेसिस क्या होता है, कोई सोच कर बता दे मुझे कि मेटास्थेसिस क्या होता है, सोच कर बताना। कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा। मेटा मतलब परिवर्तन तो हो रहा है, स्टेसिस क्या होता है बस इतना बता दो। किसी ने मेटाबॉलिज्म वर्ड सुना है? मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल सही है। अगर मैं पूछूं कि मेटामॉर्फिक को ही मेटास्टेसिस भी कहा जाता है, स्टेसिस का मतलब भी क्या होता है, रूप होता है, आपका स्टैटिक, आपका रूप, तो स्टैटिक से ही स्टेटिस बना हुआ, ठीक है। अगर मैं पूछूं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटा मतलब होता है परिवर्तन होना, बॉलिज्म जानते हो, उपापचय की प्रक्रिया, पचय, पचय मतलब परिवर्तित हो रहा है, उपा मतलब क्या, उसके अंदर का जो केमिकल है। Is that clear? Got my points? स्थिर, ठीक है, वो स्थिर क्या होता है, आपका रूप, रूप मतलब क्या, एक स्थिर है तभी तो रूप है, परिवर्तित हो जाए तो वो रूप नहीं है, वो क्या है, निरूप है। चलिए आगे बढ़िए, टॉक्सिकेशन से टॉक्सी बनाए, टॉक्सी का मतलब होता है पॉइजन, टॉक्सिक, इंटॉक्सिकेटेड, डिटॉक्स करना, कान भरना, बुरा भला किसी के खिलाफ भड़काना, डिटॉक्स कर देना, ठीक है, मेरी बात समझे। अगला वर्ड है पॉली, अभी बताया था, बहुत इजी है, मोनो अभी बताया था, सोमनी बहुत अच्छा वर्ड आता है। अब बताइए इनसोम्निया सुना है किसी ने, इनसोम्निया या फिर सोम्निया, या फिर आपने सुना होगा सोमनाम्बुलिस्टिक, सोमनाम्बुलिस्टिक, या फिर एक वर्ड सुना होगा, सुनते चलो अभी मीनिंग भी बताऊंगा, सोमनीलोकिस्ट, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, सोमना, इनसोमनिया, सोमनिया, सोमनाम्बुलिस्टिक और सोमनीलोकिस्ट, एक और वर्ड आता है, देख रहे हो, सोम्बर, एक वर्ड आता है सोम्बर। चलो आज 6 वर्ड्स पर हम लोग फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, याद रखिएगा सोमनिया मतलब नींद होता है, तो इनसोमनिया मतलब नींद ना आना, अनिंद्रा, ठीक है। अगर मैं पूछूं सोमनिया, तो मेनिया मतलब बार बार करने की आदत, सोम मतलब नींद, तो जब बहुत ज्यादा नींद आती है, नींद आने की बीमारी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोमनिया, नींद ना आने की बीमारी को क्या बोलते हैं, इनसोमनिया। स्टूडेंट्स लोग इससे बहुत पीड़ित हैं, और ये दोनों से पीड़ित हैं, ठीक है।
सोमनाम्बुलिस्टिक जो नींद में चलता है, बहुत अच्छा वर्ड है, नींद में चलने वाले को सोमनाम्बुलिस्टिक कहते हैं। कुछ लोग नींद में लोकपा करते हैं, बोलते हैं, तो नींद में बोलने वाले को क्या बोलते हैं? जो नींद में बोलता है उसको बोलते हैं क्या? सोमनीलोक्विस्ट। और सोमवर मतलब क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, लाइफ में, जिंदगी में निराशा आ जाती है ना, उसी निराशा को सोमवर के नाम से जाना जाता है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? साउंड क्लियर नहीं आ रही है, मंत्र लिया? ऐसा क्यों है यार, साउंड क्लियर नहीं आ रही? अच्छा एक मिनट रुको, अभी आ रही? अभी आ रही? अभी क्लियर हुई आवाज? चलो दो मिनट, तो मुझे मैं सही कर रहा हूं। चलो अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है ना? चलो गुड, ठीक ठीक नाइस। चलो कहां तक आए थे हम लोग? इनसोम्निया, सोम्निया, सोमनाम्बुलिस्टिक, सोमनीलोकिस्ट और सोम्बर, सारे वर्ड्स किससे बने हैं? सोम से। इसलिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। एक अगला वर्ड है सॉली, सॉली, सोलो, सोलो या सॉली लॉकी। चलो था लॉकी, लॉकी मतलब अभी क्या बताया मैंने, लॉकवी का मतलब होता है बोलना। तो अब मुझे बताओ सॉली लॉकी क्या होता होगा? चलिए बताओ सॉली लॉकी मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। लॉकी मतलब बोलना, सॉली मतलब अकेले। जो आदमी खुद अकेले बैठकर बात कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं सॉली लॉकी। अच्छा बताओ मोनोलॉग क्या होता है? डायलॉग मतलब क्या होता है? दो लोग बात कर रहे होते हैं। तो मोनोलॉग क्या होता है? जब एक आदमी खुद से बात कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। तो डायलॉग क्या होता है? जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायलॉग। इज दैट क्लियर? व्हाट आई एम गिविंग यू टुडे दैट यू विल हैव टू गेट द वर्ड्स एंड ट्राई टू गेट द मीनिंग्स सो दैट यू कैन फ्रेम द मीनिंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मीन्स सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना है, बाकी मीनिंग हम खुद निकाल ले जाएंगे। वेरी गुड, चलिए अगला वर्ड क्या कहता है सुनिए। अभी ये याद करना है, ठीक है? पांच पेजेस हैं, उसके बाद रूल्स शुरू करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स रखा हुआ हूँ, ठीक है? आइए बताइए मुझे, हाइपनोटाइज सुने होंगे। हाइपनो का मतलब भी क्या होता है? नींद। अभी सोम मतलब भी मैंने क्या बताया? नींद। और हाइपनो मतलब भी क्या होता है? नींद। हाइपनोसिस होता है ना, हाइपनोटिक होता है ना, हाइपनोटिज्म होता है ना। हाइपनोसिस में क्या करते हैं? बेहोश करके आपको क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो हाइपनो का मतलब भी क्या हो जाता है? नींद हो जाता है, ठीक है? वेरी गुड। इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा मतलब किसी चीज के अंदर, जैसे इंट्रापर्सनल आंतरिक, इंट्राम्यूरल या इंट्रावेनस। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? ठीक, कुछ चलो बताना। इंट्राम्यूरल का मतलब होता है, इंट्रा मतलब होता है अंतर, स्थानिक, ठीक है? नर्वस से बना है, इंटरवेनस। वेन मतलब होता है नस, शिराएं। तो अंतर, अंदर पाई जाने वाली शिराएं,
इंटरवेनस बोलते हैं, आई बात समझ रहे हैं? इंटरम्यूरल का मतलब अंतर स्थानिक, अंतर का स्थान जो है, और इंटरवेनस का मतलब होता है जो अंदर की नसें हैं। जैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट होने पर इंट्रावेनस इंजरीज हुई हैं, इसका मतलब कि अंदर की वेन्स में जो इंजरी हुई है इंट्रावेनस बोलते हैं। आई बात समझ? चलिए एक वर्ड आता है जेक्ट, तो इजेक्ट, रिजेक्ट, ठीक है, इंजेक्ट, जेक्ट का मतलब होता है फेंकना, डालना, तो इसीलिए याद कर सकते हैं इजी। मैग्नी मतलब बड़ा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्ना कार्टा, मैग्नीट्यूड, मैग्नी का मतलब ये होता है किसी चीज को बिग कर देना, बड़ा कर देना। क्या क्या बताया मैंने? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरल स्टडी का और इंटरव्यू में पूछता है कि भैया बताइए मैग्ना कार्टा क्या होता है। हम कहें कि पेशवा बालाजी बाजीराव को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने मराठों को विस्तार दिया। मैग्नीफाइंग क्या करता है? चीजों को बड़ा कर देता है। भारतीय प्रेस का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? चार्ल्स मेटकाफ को कहा गया, ठीक है। तो मैग्ना मतलब ये होता है मैग्नाफाई कर देना, बड़ा कर देना। बहुत अच्छा वर्ड मिला हमें। अब जो मैग्ना से एक बना, इसी के बाद से बना माल। अब जो माल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन, ठीक है, मैलिस, मैलाइस, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो ये वर्ड मैल से बने हैं। अब मुझे बस इतना बता दो मैल का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी या बुराई, इसको हम बोलते हैं। Got my points? अब बताओ मैलिग्नेंट क्या होता है, कोई बता दे। बहुत कपटी किस्म के जो इंसान होते हैं उनके दिमाग में मैल भरी है, गंदगी भरी है, तो मैलिग्नेंट होते हैं, कपटी, परम कपटी किस्म के लोग। माल फंक्शन मतलब किसी ना किसी चीज की कमी बुराई या ठीक से काम नहीं कर रहा होता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में माल फंक्शन आ गया। मेलाइस का मतलब शरारती, बदमाश, बदमाश लोग, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां बुराई हैं, उसको बोलते हैं क्या? माल, मेलाइस। आई बात समझ रहे? गंदगी भी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ओमनी का मतलब मैंने बताया था ऑल, तो ओमनी पोटेंट, पोटेंट से बना है शक्ति, तो सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंस जो हर जगह उपस्थित हो, ओमनी वोर, ओमनी वोर का मतलब जो सब कुछ खाता हो, ऐसे ही बनता है एक ओमनी सीएंट, जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। या गुड, चलो पॉली बताया था, पॉली मतलब बहुत सारा होता है, पॉलीगैमस मतलब बहुत सारे विवाह करता हूँ, पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे आकार हो, पॉलीथीस्ट मतलब बहुत सारे भगवान पर विश्वास करता हूँ, स्क्रिप्ट जानते हो लिखावट को बोलते हैं, मैनू स्क्रिप्ट, प्रो पोस्ट स्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर, लिखावट से संबंधित है। विज बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, विजन से बना हुआ है, देखेगा, विज का मतलब होता है देखना, तो इनविजन मतलब अंदर देखना, इविडेंट विजन से नहीं बना हुआ है, लेकिन विज को ही विड कहते हैं, तो विज या विड भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो इविडेंट का मतलब साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सामने देखा हुआ, तो इविडेंट से याद कर लिया, इविडेंस, इविडेंस में विज तो नहीं आ रहा लेकिन विड आ रहा, तो इस कहना चाहता है ये कि विज इज इक्वल टू विड, तो अगर विज और विड कोई भी है तो आप समझ जाएंगे उसके साक्ष्य, दर्शन या फिर देखने से रिलेटेड है। आज की रूट वर्ड की क्लास का ये पॉइंट था एक, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे के भी रूट वर्ड्स आज कंप्लीट करा ही कर छोड़ूंगा। पहले मुझे बताओ कुछ फायदा हो रहा है रूट वर्ड से कि बेकार जा रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर आप केवल सुनकर अच्छे अच्छे वर्ड्स याद कर लेते हो तो काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा इंग्लिश में, किसी भी एग्जाम में, वो भी अगर वर्ल्ड लेवल का एग्जाम हो या इंडिया लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश जरूर आता है। आ जाइए सारिका, देर कर दी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड विजन? देखो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा वो है, ड्रीम इज नॉट लाइक इट्स लाइक फैंटेसी, हुआ नहीं है अभी, ऐसा ऐसा हो सकता है इमेजिनेशन में चल रहा, लेकिन विजन क्या होता है कि जैसा है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें विजन रखना है आईएएस के लिए, ड्रीम नहीं रखना, मेरी बात समझे? कहते हैं ना विजन रखो, मतलब अच्छाई बुराई सब देखते चलो, देखकर सीखो, सुधार करो, इसलिए उसको विजन बोलते हैं, हैव अ विजन। क्लियर है? आगे बढ़े, हाइप ना हो गया, चलो
कुछ रूल्स पर आएंगे बात, आज रूट वर्ड्स थोड़ा सा रोकूंगा, ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा तो बेहोशी आने लगेगी, ठीक है? ये दो बचा के रख रहा हूँ, ये तीन उसके बाद बताऊंगा, हो सकता है अभी थोड़ी देर में बताऊं। चलो पहले आ जाओ सभी और बताना मुझे, कुछ रूल्स बताने के मूड में हूं और एक रूल बता रहा हूं, जरा सुनो सभी। एक रूल कहता है, एक बारी बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? एनएफ से रिलेटेड रूल है, कभी भी एनएफ का क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। इस पे पांच रूल्स होते हैं। एनएफ इज एनएफ, इट डजंट नीड एनीथिंग। एनएफ का मतलब ही होता है सफिशियंट, ठीक है? तो जब एनएफ वर्ड आ गया है तो कभी भी आप उसके साथ वेरी नहीं लगाएंगे। एनफ इज एनफ अगेन, तो इसलिए इसके साथ मोर नहीं लगाएंगे, मतलब इसके साथ कोई कॉम्परेटिव डिग्री का वर्ड नहीं आएगा। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री मोर नहीं आ रहा तो इसके साथ ER भी नहीं आएगा, मतलब इसके साथ कॉम्परेटिव भी नहीं आता, तो इसका मतलब इसके साथ बेस्ट या मोस्ट भी नहीं आता, मोस्ट एनफ या EST भी नहीं आता, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आता। मतलब एक चीज सीखे कि एनफ इज एनफ, इट डजेंट रिक्वायर वेरी, इट डजेंट रिक्वायर सफिशियंट, इट डज नॉट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ। सुनते चलना, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा और गलत करवाऊंगा, ठीक है? और ये कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आते इसके साथ। और बहुत से लोग होते हैं, इट्स टू एनफ यार, एनफ नहीं, जब एनफ कह दिया तो टू बहुत ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं, याद रखिएगा। और एनफ के बाद कभी भी जीरंड नहीं आता, इसके बाद आता इन्फिनिटिव। जो लोग इन्फिनिटिव और जीरंड नहीं जानते वो ध्यान से सुने, जब कभी भी नाउन को कंसिडर किया जाता है वर्ब में ing लगाकर, और ये नाउन किसके जैसे फंक्शन करेगा, जीरंड के जैसे। सुनना, जब कभी भी नाउन को कंसिडर किया जाता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, और इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, इन्फिनिटिव। Is that clear? Got me? तो infinitive क्या होता है? जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो gerund क्या होता है? जब वर्ब में ing आता है। अब मुझे बताओ, enough के बाद gerund आना चाहिए या infinitive आना चाहिए? तो याद रखेंगे, enough के साथ कभी भी gerund नहीं आता, इसके साथ हमेशा infinitive आता है। मतलब ing आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बताएंगे ing नहीं आता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो मेरा पहला काउंटर क्वेश्चन, अभी मैंने एक वर्ड बताया था, सर्वधर्म मंदिर, नाम बताओ जल्दी से, जल्दी फास्ट, स्पीड होनी चाहिए। वेरी गुड नैन्सी, आंसर नहीं आ रहा ना? मैंने बताया था सर्व मतलब होता है पैन, सभी भगवान को जो मानते हैं थीस्ट, तो पैंथियन नाम दिया था, याद आया? पैन का मतलब होता है सर्व, थियन मतलब होता है भगवान, जो सभी भगवानों को मानता है उसको बोलते हैं पैंथियन। चलो बताओ सोमवार क्या था, सभी बताओ सोमवार क्या होता है? नहीं याद आ रहा? तो सोम का मतलब होता है नींद, मतलब अंधेरा, मतलब उदासी, तो याद रखना नींद या उदासी का सेंस है, तो ये लेंगे कि निराशा, ठीक है? याद आया कुछ कुछ? तो इसीलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो, तभी तो मतलब बनेगा कुछ याद करने का। अगर मैं पूछूं कि सॉलिटरी क्या होता है, सॉलिटरी क्या होता है, सोमवार का मतलब अकेला नहीं होता, निराशा होती है, सॉलिटरी का मतलब अलोन होता है, इसको अलूफ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अलोन के लिए बहुत अच्छा वर्ड अभी तक मैंने बताया, अलूफ, याद रखिएगा, अकेलापन के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है। और सोमवार के लिए एक और अच्छा वर्ड बता दूं, जो निराशा या उदासी या तमस को शो करता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है मेलनकली, मेलनकली। जो बोल रहा हूं केवल कान में हेडफोन लगाकर केवल सुनोगे भी,
तो भी सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड चीज़ों को ग्रैब करके रखते हैं अपने पास, ज़रूरत पड़ने पर वो ऐसे थ्रो आउट करते हैं। समझ गए मेरी बात? चलो बताओ, मेटा मतलब मैंने अभी कुछ बताया था, मेटा मेटा मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए फास्ट। नहीं, नींद में बोलना नहीं होता। सॉलिटरी मतलब अकेलापन होता है, ठीक है। नींद में बोलने वाले के लिए मैंने बताया था सोमनाम्बुलिस्टिक, नहीं सोमनीलोकिस्ट बताया था उसके लिए। सब मिक्स कर दो, खिचड़ी पका दो। हाँ देखो, नैन्सी ने आंसर दिया। बताओ मेटा मतलब क्या होता है? वेरी गुड, गलत है। मेटा मतलब होता है चेंज, मेटामॉर्फिक से याद कराया था। देख लिया मैंने कितना याद हो रहा है सबको। वेरी गुड, नैन्सी ने सही आंसर दिया। सारिका गलत कर दी, अच्छा क्लास में नहीं थी ना। स्वाति ने भी सही दिया और बाकी लोग सुनेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ, अब रेडी अगला क्वेश्चन। अब ये मेरा धांसू क्वेश्चन आ गया, बताइएगा। अभी एनएफ से रिलेटेड एक रूल बताया मैंने, कहा पांच चीजें फॉलो करनी है। चलिए बताना शुरू करिए, कौन कौन से रूल्स। पहला रूल सुन रहा हूं मैं, पांच बातें नोट करने के लिए बताई थी कि एनफ के साथ क्या नहीं लगता, सफिशियंट नहीं लगता। एनफ के साथ जैसे किसी ने बताया मंथन ने कि टू नहीं लगता, और क्या बताया था, दशरथ सिंह चौहान, वेरी गुड सही आंसर है। एनएफ के साथ ये दो रूल्स हो गए, तीन और बताने हैं। एनएफ के साथ आईएनजी नहीं लगता, वेरी गुड, मतलब जीरंड नहीं लगता, बहुत अच्छे, नाइस। कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती, मतलब ईआर मोर, ईएसटी या मोस्ट नहीं लगता, बहुत अच्छे, नाइस। और एक क्या था, मच या वेरी, वेरी मच, ये सब चीजें नहीं लगती। एक और नियम सुन लो, याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत कम लोग जानते हैं ये नियम। चलो ये क्वेश्चन पूछकर बता रहा हूं, शी इज सफिशियंट, एनफ फास्टर गर्ल। चलो गर्ल मत लिखो, शी लगाए हो ना, बताना मुझे शी इज सफिशियंट एंड अ फास्टर इन द क्लास। चलिए बताइए मुझे कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, सभी सोच कर बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। स्वाति बहुत अच्छे, नाइस, एक साथ यूज कर दी सारे आंसर्स, बहुत अच्छे, खुश हो गया मैं। बताओ जरा जल्दी से फटाफट क्या आंसर होगा। मैं वेट कर रहा हूं, इसका सही वर्जन लिख कर टाइप करके बताओ, छोटा छोटा पार्ट में नहीं बताओ, पूरा सही आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर मैं एक रूल बताऊंगा, देखना चाहता हूं कि नहीं बताए हैं तो आपको क्या समझ में आता है क्या, और क्या समझ में आता है वो भी मुझे बताइए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं, जस्ट लिटरली वॉन्ट टू सी दैट हाउ मच करेक्ट आंसर डू यू नो, हाउ मेनी पर्सन नोज दोज एग्जैक्ट आंसर। सी इज फास्ट एनफ इन द क्लास, वाह सारिका वाह, कुछ कुछ सही गया। चलो बहुत खुश हूं मैं सारिका के आंसर से। सब लोग सुन लीजिए कि एनफ कह दिया तो सफिशियंट नहीं लगता, तो सफिशियंट को काट दो, ठीक है। एनफ कह दिया तो ईआर नहीं लगता, तो ईआर को काट दो,
तो सही सेंटेंस क्या बच रहा है? शी इज एनफ फास्ट होना चाहिए था, लेकिन इन द क्लास. लेकिन एक और नियम कहता है क्या, यहां पर सुन लो, सभी सुनना ध्यान से, कि अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद एनफ आना चाहिए, और अगर नाउन है तो उसके पहले एनफ आना चाहिए. याद रखिएगा, एनफ की क्वालिटी है कि ये एडजेक्टिव के बाद आता है लेकिन नाउन के हमेशा पहले आता है. बहुत कम लोग जानते हैं ये नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है. इस पर एक क्वेश्चन सीरियस लेवल पर और एसएससी बैंक लेवल पर जरूर पूछता है. याद रखिएगा, एनफ के जितने रूल्स हो सकते थे मैंने आपको बता दिया. इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एनफ से रिलेटेड आ रहा है. शी इज फास्ट एनफ इन द क्लास. फास्ट एनफ इन द क्लास, वेरी गुड नैन्सी, सही है. इज दैट क्लियर गॉट मी? चलो बताना, सभी बताना. स्वाति बताना, आपकी इंग्लिश पता नहीं मुझे कैसी है, बट ठीक जा रही है. आई हैव मनी एनफ की एनफ मनी क्या होना चाहिए था? आई हैव मनी एनफ की एनफ मनी. I have money enough या enough money? A या B? तो याद रखिएगा, money is noun. Money एक noun है, ठीक है, तो इसलिए enough पहले आएगा. तो right answer क्या होना चाहिए था? B. Is that clear? लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता, सुनिएगा ध्यान से. आई एम एनफ स्मार्ट, क्या स्मार्ट एनफ, या आई एम स्मार्ट एनफ, क्या होना चाहिए था? ए या बी? B, because enough plus noun. Very good. तो इसलिए B हो गया. लेकिन अब बताओ smart क्या है? Noun है कि adjective है? तो smart adjective है. तो adjective के, बताया था मैंने, adjective के बाद enough आता है. मतलब कि smart enough होगा. ठीक है, again B. Is that clear? Got my points? I'm smart enough. Yeah, good. याद रखना, enough से related इतने ही question आते हैं. चलिए आइए, अगला point जो मैं बताने वाला हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ quantity. एक बारी ध्यान से सुनो, बहुत से लोगों की quantity की concept clear नहीं होती. जैसे countable quantity होती है और uncountable quantity होती है. मतलब जिसको plural बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं countable. जिसका प्लूरल नहीं बनता, जिसमें एस या ईएस नहीं लगता, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल. जैसे वाटर का वाटर्स नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल हो गया. लेकिन जिसका प्लूरल हो सकता है, जैसे बॉय का बॉयज हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल बोलते हैं. तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्लासिफिकेशन क्लियर है सभी को, कुछ खास बताने वाली बात नहीं थी. ठीक है, और क्वेश्चंस नैन्सी, और क्वेश्चन अभी दूंगा. रुको, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दूं, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, और जब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी तब फिर क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक है, थोड़ा सा और भूलवाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो भूलती होगी नहीं. चले आगे बढ़े, इसको समझो. ठीक है, पहले इसको समझना, समझना. लगभग, हिंदी में भी लिख देता हूं, लगभग ना के बराबर, एकदम नेग्लेक्टेड. ठीक है, देखोगे बहुत छोटी सी क्वांटिटी बनाई है मैंने, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी. तो इसको क्या बोलेंगे? लगभग ना के बराबर. काउंटेबल के लिए फ्यू लगेगा, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगेगा. कब? जब लगभग ना के बराबर हो, निगेटिव सेंस आ रहा हो. किस चीज का सेंस आ रहा हो? निगेटिव. बहुत ध्यान से सुनना, एक बार समझाऊंगा.
थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, अब क्या सेंस आ रहा, पॉजिटिव का सेंस दे रहे, तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, इतना भी नहीं कि न के बराबर, बहुत थोड़ा सा, तो उसके लिए पॉजिटिव सेंस आ रहा, तो उसमें काउंटेबल के लिए अ फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए अ लिटिल। लेकिन अगर इसका सेंस आ रहा कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत, जिसे काम चलाओ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत, इसे क्या बोलते हैं बताओ, काम चलाओ, ये भी पॉजिटिव का सेंस आता है, काम चलाओ। अगर मैं पूछूं कि मुझे काम चलाओ इंग्लिश आती है, तो आई नो लिटिल इंग्लिश कि आई नो अ लिटिल इंग्लिश कि आई नो द लिटिल इंग्लिश, काम चलाओ के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, ये भी पॉजिटिव का सेंस देता है। अब बताइए मुझे क्या होना चाहिए था, बचपन से लेके इस चीज को लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, मैंने सरल तरीके से आपको लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू समझा दिया। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और चेक करूंगा कि आप लोगों को लिटरली बातें समझ में आई या नहीं आई। सभी तैयार, रेडी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि याद हो जाए चीजें। यस, थंब कुछ भी लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। लगभग ना के बराबर है तो फ्यू या लिटिल, ये निगेटिविटी को शो करता है। बहुत थोड़ा सा है लेकिन पॉजिटिव के सेंस में, तो इसको अ फ्यू अ लिटिल कहते हैं। लेकिन काम चलाऊ का सेंस है, मतलब ना ज्यादा बहुत कम, न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम, काम चलाओ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत से काम चल जा रहा, तो उसको बोलते द फ्यू द लिटिल। आई बात समझ, ऐसे ही होता है सम और एनी। सम हमेशा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लगता है, ठीक है, और एनी हमेशा निगेटिव और क्वेश्चन मार्क, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए लगता है। याद रखिएगा कि अगर नॉट आ गया तो वहां पर सम ना लगकर क्या लगेगा, एनी। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तो वहां सम ना लगकर क्या लगेगा, एनी। और ये मैंने सम एनी दोनों साइड लिखा है, मतलब काउंटेबल में भी सम एनी लगेगा, अनकाउंटेबल में भी सम एनी लगेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कमेंट करके बताओ फास्ट। Got my points? आगे बढ़े। अब many जानते ही हो, many का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसे ये वर्ड किसके लिए आना चाहिए था, many के लिए। लेकिन अगर वो पानी बहुत ज्यादा है तो many water ना बोलकर क्या बोलेंगे, much water, क्योंकि ये पानी क्या होता है, uncountable होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई and they are ready to face the questions now? Some पॉजिटिव के लिए, एनी निगेटिव के लिए, फ्यू और लिटिल निगेटिव के लिए, बाकी दोनों पॉजिटिव के लिए। इन सारे वर्ड्स के बाद अगर जो काउंटेबल के लिए यूज हो रहे हैं, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन अनकाउंटेबल के बाद नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट्स क्लियरली? या गुड, डन डन डन, गुड, चलो सही है। तो चलो क्वेश्चन फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर देना कि आई हैव लिटिल मनी की फ्यू मनी की अ फ्यू मनी की द फ्यू मनी, सुनते चलना, लिटिल मनी की अ लिटिल मनी की द लिटिल मनी। छह ऑप्शंस हैं टू मेक माई लाइफ, अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेरे पास बहुत कम पैसा है, बट आई विल स्टार्ट, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा। आप बताओ, लगभग न के बराबर पैसा है कि थोड़ा सा है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उसी से घर चल जाएगा, क्या सेंस आ रहा? अब बताओ, मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अगर काउंटेबल है तो ये लगाओगे, अगर अनकाउंटेबल है तो ये लगाओगे। अब आप बताओ यहां पर क्या फिल कर दे। सिक्स ऑप्शन आर देयर, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फाइव, ऑप्शन नंबर सिक्स। व्हाट डू यू से, सोच कर बताना। फ्यू, मंथन ने बोला फ्यू, स्वाति ने बोला फ्यू, नैन्सी ने बोला फ्यू, तो सब लोग सुन लो मेरी बात और याद रखना। सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, आप लोग अपने अंदर से अपनी पुरानी गंदी रटी हुई चीजें जो पहले के जमाने में सिखाई गई भूल जाइए। मैं फिर से याद दिला दूं कि जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको तो आपका ध्यान यहां नहीं था। देखिए कितनी ब्लंडर करी है आप लोगों ने। मैंने कहा था कि
आप लोगों को क्या लगता है कि जो काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं, और जो नहीं काउंट कर सकते उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जिस वर्ड का प्लूरल बनाया जा सकता है, समझिएगा इसको, जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वो काउंटेबल है, जिस वर्ड का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता वो अनकाउंटेबल है। चलो सोच कर बताओ, आपको लगा कि मनी तो यार सब लोग गिनते हैं, तो आपने इसको काउंटेबल वाले पैटर्न से बना दिया, जबकि मनी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल होता ही नहीं, मनी का मनीज नहीं हो सकता। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने सिखाया था वो करना था। अब बताओ मनी का मनीज होता है? नहीं। तो ये मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो अनकाउंटेबल है। अब ये ऑप्शन ही कट गए, अब बचे लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? अब समझ आया? तो इसलिए कह रहा हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल सबसे पहले पहचानो, और आप जो नियम जानते हैं वो नियम काम नहीं करेगा, जो नियम मैं बता रहा हूं वो नियम काम करेगा। अब बताइए, तारों की बात करें, तारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार। अब आप क्या कहेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाइए, स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? जल्दी बताओ सभी, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तारे काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल? जल्दी जल्दी, ऑप्शन ए है तारे या ऑप्शन बी है काउंटेबल या अनकाउंटेबल? नहीं नहीं, फ्यू या लिटिल नहीं बताना है, बस आप ये बताइए कि स्टार काउंटेबल कहोगे कि अनकाउंटेबल? देखो स्वाति कह रही है स्टार काउंटेबल है, अच्छा मंथन भी कह रहे हैं स्टार काउंटेबल है, तो डेफिनेटली काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि स्टार को काउंट करके नहीं बताएंगे कि काउंटेबल है कि नहीं, हम ये जानते हैं कि स्टार में एस लग सकता है, तो डेफिनेटली ये काउंटेबल है। अ फ्यू द फ्यू, जैसा सेंस निकल रहा उसके हिसाब से हम लगा देंगे। अब बताओ टी, टी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? टी, नैंसी गलत कर दी, मीनल वर्मा काउंटेबल है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसका प्लूरल बना सकते हैं। फिर से बता दूं, जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल है, जिसका प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? गॉट माय पॉइंट्स? चले आगे बढ़े, तो चलिए, और टी क्या है? टी का टीज होता ही नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए लिटिल अ लिटिल द लिटिल। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन, आ जाओ भैया मेरे पास पैसा पता नहीं बहुत कम है, लेकिन फिर भी आई विल स्टार्ट, मैं कोशिश जरूर करूंगा, हार मानने वालों में से नहीं हूं। नाउ टेल मी कि लिटिल कि अ लिटिल कि द लिटिल? जो लोग देर में आए हैं उनका थोड़ा सा गलत होगा, धैर्य रखिएगा, बताऊंगा फिर से। क्या बोले पब्लिक? तो मनी क्या है? मनी का मनीज होता नहीं, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल में से कोई एक लगेगा। अब बताओ मुझे चार्ट क्या कह रहा था? पॉजिटिविटी है कि निगेटिविटी है? मतलब पॉजिटिविटी सॉरी निगेटिविटी है तो फ्यू लगता या लिटिल लगता, पॉजिटिविटी है तो अ लिटिल द लिटिल लगता। इस पढ़कर इसे लग रहा है कि भैया भले ही मेरे पास पैसे कम है, लेकिन जो कुछ भी थोड़े बहुत है उससे मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर लगभग ना के बराबर होता तो लिटिल होता, तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना, और जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उससे स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए था? द लिटिल मेरे हिसाब से बहुत सेट बैठ रहा। समझ नहीं आया क्या हो रहा है? आई एम लेट, कोई या नहीं। सुनो मिनल, ये रिकॉर्डेड क्लासेस अभी जस्ट वो क्लोज भी करने वाला हूँ, दो मिनट में क्लोज कर दूंगा, तो ये रिकॉर्डेड क्लास देखना। आपका मैंने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू ऑफ यू द फ्यू को लेकर मैंने क्लियर किया, बहुत से लोग नहीं जानते। ठीक है, इसको अगली क्लास में और कंटिन्यू कर दूंगा, कल फिर 4 बजे है मेरी क्लास। तो और मैंने बताया था कि एनएफ का क्या रूल है, बहुत से लोग एनएफ के रूल को लेकर बहुत कंफ्यूज है, तो आज मैंने ये चीजें क्लियर करी हैं। देखेंगे जो लोगों ने मेरी क्लासेस करी उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और हाँ कुछ मैंने रूट वर्ड्स भी याद करवाए हैं, बहुत सारे रूट वर्ड्स जिससे बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करी जा सकती है। ठीक है, तो एक बारी देख लेना इस क्लास को दोबारा, और
अब बस क्लोज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, बाद में बात करेंगे। यहाँ पर द फ्यू होना चाहिए या द लिटिल होना चाहिए था इज द राइट आंसर। अब कल की क्लास में एक बार फिर इसको रिपीट कर दूंगा, घबराना नहीं, ठीक है। इसको रिपीट करके फिर से ये एक्सरसाइज बहुत बनाया मैंने, देखो ये क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी इसको क्विट करते हैं, अगली क्लास मेरी शुरू हो रही 7 बजे, जो कि क्लास है मेरी ज्योग्राफी की। आ जाओ, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर चल रहा था, एटमॉस्फेरिक लेयर 2 मिनट के अंदर शुरू करूंगा जैसे ही यहाँ से क्विट करूंगा। हाँ 7 बजे ज्योग्राफी, आ जाओ फास्ट आ जाओ बंधन, ठीक है। अभी क्विट कर रहा हूँ इसको, आ जाओ सभी मिलो, तुरंत का तुरंत इनिशिएट कर रहा हूँ मैं। Oh.